निदेशक कृषि कस्मी ने मिनी सचिवालय शोपिया में खुदरा विक्रेताओं और कीटनाशक डीलरों के साथ जागरूकता शिविर लगाया। किसानों को मानक कीटनाशक और कवकनाशी प्रदान करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। निदेशक कृषि कश्मीर नियंत्रक कीटनाशक ने मिनी सेक्टर शोपिया में कीटनाशकों और कीटनाशक व्यापारियों के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और टीडे ने भी निदेशक के साथ सहयोग किया और आश्वासन दिया कि शोपिया कीटनाशक व्यापारी समय समय पर कानून और सरकार के आदेशों का पालन करेंगे। इस बीच निदेशक ने बैठक में कहा कि विभाग सख्ती से काम कर रहा है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि केवल वास्तविक गुणवत्ता वाले उत्पाद कीटनाशक ग्राहक किसान तक पहुंचे। कृषि आदानों की गुणवत्ता कीटनाशक सफल कृषि उद्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जागरूकता शिविर में मुख्य कृषि अधिकारी शोपिया फारूक अहमद रेशी भी शामिल हुए। अब मैं उसको दिसंबर में कहूंगा कि मेरे पैसे दे दो जब इसका माल साफ हो जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर नहीं आया, मैं आपका भाई छोटा आया हूं कि हम सब मिलजुल के कोशिश करें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। आज हमने यहाँ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डीलर्स जो डिस्ट्रिक्ट शुपैया के थे उनको मधु किया कि हम सब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एज कंट्रोलर ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड ये मेरा अवलीन फ़र्ज बनता है कि किसान के पास वैसी कोई गलत चीज़ ना जाए कि जिससे कि हमारी सोसाइटी पर इसके गलत असरात हों, जिससे कि हमारे समाज को नुकसान हो। एग्रीकल्चर स्टाफ को भी बुलाया, अपनी इन्फोर्समेंट विंग उनको भी बुलाया और यहाँ के जो हमारे इस इंडस्ट्री के साथ जो लोग डील करते हैं उनको भी बुलाया, ताकि इनको भी जनरल अवेयरनेस दी जाए कि सोसाइटी में कोई भी गलत काम करने से उसके नुकसानात हैं। इन सब चीज़ों से हम लोगों को बाज आना है। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लोगों की पहुँचोगे उच्छर से तहसील कार्यालय के लरशोपिया ने इन लोगों को 22,500 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिए, जिन्होंने उचित दस्तावेज के साथ कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। यहां तक कि कर्मचारी कार्यालय में मदद के लिए या आवेदन करने वालों को ऐसे प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भी रात बिताते हैं। स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उन्हें प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। गिरर पहाड़ी क्षेत्र है और वहां रहने वाले अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकतम आबादी है। आयुक्त शोपिया सचिन कुमार के मार्गदर्शन में तहसीलदार अब्दुल रशीद ने उनकी बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए कहा। उन्होंने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि कुछ ही समय में जो लोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे, यहां तक कि कभी कभी वे 300 दे रहे थे एक दिन में प्रमाण पत्र। यहां मतलब 6 महीना एक एक सर्टिफिकेट को लगता था, एक बंदे को 6 महीना यहाँ आना ऑफिसों का चक्कर काटना पड़ता था, एक 6 महीने में जाकर उसको सर्टिफिकेट मिलती थी। हम तहसीलदार केलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसने 22,700 सर्टिफिकेट एक ही साल में इशू की है। ऐसा भी वक्त होता था कि 6-6 महीना लग जाता था एक एक सर्टिफिकेट को। यहाँ पे 60-70% लोग हैं जो तहसील केलर के, वो ट्राइबली लोग हैं, और 30% इसमें है जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं। हमें बहुत मुश्किलात होती थी इससे पहले, अगर मतलब इस ऑफिस की भी बात की जाए इससे पहले, इस तहसीलदार से पहले 2-3 साल पहले। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे काम हो रहा है इंशाल्लाह ऐसे ही काम आगे भी होंगे, हमारे जो भी मसले मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह पूरा होंगे।